सोनभद्र में भाजपा प्रत्याशी भूपेश चौबे, बसपा प्रत्याशी अविनाश शुक्ला और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं नंगे पांव पैदल चलकर नामांकन करने पहुंचे भाजपा प्रत्याशी भूपेश चौबे लोगों के लिए आकर्षण ही नहीं चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। भूपेश चौबे ने कहा कि नंगे पांव चलकर पर्चा दाखिला का मकसद सिर्फ पर्चा दाखिला ही नहीं बल्कि राम मंदिर का विरोध करने वाली सपा के खिलाफ एक संकल्प भी है, जो संकल्प 10 मार्च तक जारी रहेगा। प्रदेश के अंदर भला हो, इसलिए जो हमारा ये विधानसभा है काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े समाज के लोग, सर्व समाज के, ब्राह्मण समाज हो चाहे क्षत्रिय समाज हो वैश्य समाज हो, सभी समाज के लोग जो बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं, उनको स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी यहां पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, हमारी प्राथमिकता ये है कि जो हमारे सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के जो अधूरे कार्य अभी रह गए हैं, चाहे वो 21 अस्पताल हों, चाहे वो 100 करोड़ का सोन नदी पे जो पुल बन रहा है वो पुल हो, मिर्जापुर सोनभद्र को जोड़ने वाला पुल हो, जो धुरकरी का, अरे हरेवड़ा का पुल हो और जो धर्मौली का पुल हो, इन पुलों को, जो बेटियों का छात्रावास है उसको चालू कराएंगे, पिछड़ा वर्ग का छात्रावास चालू कराएंगे, पुलों को बनवाएंगे, जो मानक है अस्पताल का उसमें डॉक्टरों की, सभी कर्मचारियों की पोस्टिंग कराएंगे, और जो भी काम हमारे समाजवादी पार्टी के रुके हैं उस काम को हम पूरा कराएंगे।